Dear students, in this session we are going to discuss statistics. It is also called stats. The definition of statistics, it is the method of collection, presentation, analyzing and interpretation of numerical data. Interpretation of numerical data. Or we can also define the statistics. It is the science of counting. It is the science of counting. Or we count karte hain data. Hum count karte hain data. Or it is the collection of numerical facts. It is the collection of numerical facts. Ab humne kaha ki it is the science of counting, aur hum count karte hain data ko, aur humne kaha ki it is the interpretation of numerical data. So what is data? Data is the collection of facts and figures. Data is the collection of facts and figures. अब ये जो data है, वो हमें दो types की मिलती है. एक primary data और दूसरी सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा को हम बेसिक डेटा भी कहते हैं. इसको हम फर्स्ट हैंड डेटा भी कहते हैं. इसको हम ओरिजिनल डेटा भी कहते हैं. मींस डेटा फ्रॉम इट्स ओरिजिनल सोर्स. जो डेटा हमें उसके ओरिजिनल सोर्स से मिले उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा. सेकेंडरी डेटा मींस अरेंज डेटा. यूजफुल डेटा डेटा इन यूजफुल फॉर्म. आर द डेटा विच पास्ड फ्रॉम द प्रोसेस
of counting or statistical process. Statistical जो डेटा किसी भी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस में से गुजारकर यूजफुल बनाई जाए इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा और इंफॉर्मेशन. सेकेंडरी डेटा इज आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन फॉर द यूजेस of managers or management. Now we are going to discuss thoroughly the primary data. If anyone stands on the gate, अगर किसी को भी हम गेट में खड़ा कर देते हैं और उसको कहते हैं कि जो भी बच्चा इंटर होता जाए स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, किसी और जगह पर, उससे उसकी एज पूछते जाओ. अब पहले बच्चे ने एज बताई, एक साल, तीन साल, पांच साल, आठ साल, दस साल, बारह साल, चौदह साल, दो साल, चार साल, छह साल, सात साल, नौ साल, ग्यारह साल, पंद्रह साल, बीस साल, उन्नीस साल, तेरह साल, बारह साल, एक साल, तीन साल, चार साल, आठ साल, सात साल, छह साल, आठ साल, दो साल, पांच साल, तीन साल. इस तरह से आपको ये डेटा मिलेगा. ये डेटा आपकी प्राइमरी डेटा होगी क्योंकि ये आपने ओरिजिनल सोर्स से हासिल किया है. इसी डेटा को अगर हम अरेंज फॉर्म में रखते हैं, सपोज करें इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, तो क्या होगा कि उसको हम कहेंगे इंफॉर्मेशन. सपोज करें वन कितनी बार है, दो बार है, हमने वन और वन रख दिया. फिर टू एक दो बार है, फिर थ्री एक दो तीन तीन बार है, फोर एक दो दो बार है, फाइव एक दो बार है, सिक्स एक दो बार है, सेवन एक दो बार है, एट एक दो बार, तीन बार, नाइन एक एक बार है, टेन एक बार है,
11, एक बार 12, दो बार है, थर्टीन, एक बार है, फोर्टीन, एक बार है, फिफ्टीन, एक बार है, सिक्सटीन, नहीं है, सेवेंटीन, नहीं है, एटीन, नहीं है, 19, एक बार 20, एक बार। क्लियर? और कोई चीज नहीं रहती। तो ये हमारी सेकेंडरी डेटा हो, क्योंकि इसमें एक प्रोसेस जो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ काउंटिंग है, उसको इसने क्रॉस किया है, उसको इसने पास किया है, किसी स्टैटिस्टिकल ऑर्डर में से इसको गुजारा गया। तो ये हमारी सेकेंडरी डेटा हो, इसको हम यूज कर सकते हैं, ये यूजफुल डेटा हो। क्लियर? अब इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में रखते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है तादाद। इसको हम एफ से शो करते हैं, क्योंकि डेटा को हम एक्स से शो करते हैं और फ्रीक्वेंसी को एफ से शो करते हैं। अब वन की फ्रीक्वेंसी कितनी है? टू। वन दो बार आया है, इसलिए वन की फ्रीक्वेंसी टू है। टू की फ्रीक्वेंसी टू। थ्री की फ्रीक्वेंसी थ्री। फोर की फ्रीक्वेंसी टू। फाइव की फ्रीक्वेंसी टू। सिक्स की फ्रीक्वेंसी टू। सेवन की फ्रीक्वेंसी टू। एट की फ्रीक्वेंसी थ्री। नाइन की फ्रीक्वेंसी वन। टेन की फ्रीक्वेंसी, ये एक्स और ये एफ। टेन की फ्रीक्वेंसी वन। इलेवन की फ्रीक्वेंसी वन। ट्वेल्व की फ्रीक्वेंसी टू। थर्टीन की फ्रीक्वेंसी वन। फोर्टीन की फ्रीक्वेंसी वन। फिफ्टीन की फ्रीक्वेंसी वन। सिक्सटीन की फ्रीक्वेंसी जीरो। ये आप दे या ना दे, आपकी मर्जी है। सेवेंटीन की फ्रीक्वेंसी जीरो। एटीन की फ्रीक्वेंसी जीरो। नाइनटीन की फ्रीक्वेंसी वन। और ट्वेंटी की फ्रीक्वेंसी भी वन। ये भी आपकी सिंगल डेटा है, इसको भी हम क्या कहते हैं? सिंगल डेटा। और ये भी आपकी
सिंगल डेटा है। दोनों सिंगल डेटा है, लेकिन ये सिंगल डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी है और ये सिंगल डेटा विथ फ्रीक्वेंसी है। ये विदाउट फ्रीक्वेंसी और ये विथ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लेकिन है दोनों सिंगल डेटा। अब हम इसी डेटा को ग्रुप्स में लेते हैं, यानी ग्रुप डेटा। ग्रुप्स को हम क्लास इंटरवल्स कहते हैं, सी आई से शो करते हैं इसको, और फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी से एफ से शो करते हैं। अब देखें, अगर हम किसी भी डेटा को, अगर ये क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है, अब हमने पांच या छह या जो भी हम अपनी इजीनेस से कैसा हम समझें उतने क्लास इंटरवल्स बनाते हैं, 1 से 5 तक, 6 से 10 तक ये ग्रुप्स हैं, 11 से 15 तक और 16 से 20 तक, ये हमने क्लास इंटरवल्स बना दिए। अब हम देखेंगे कि 1 से 5 तक के कितने हैं। 1 से 5 तक हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 4, 10, ये 1 है, 1 दो बार है, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, ये 1 से लेकर 5 तक का काउंटिंग है, कि 1 से लेकर 5 तक कितने हैं, 2 और 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसका मतलब है 1 से 5 तक की फ्रीक्वेंसी 11 और 6 से 10 तक की 2 और 2, 4, 4 और 3, 7, 7 और 1, 8 और 1, 9, 6 से 10 तक की फ्रीक्वेंसी 9 और 11 से 15 तक की फ्रीक्वेंसी 11 से लेकर ये 15 तक 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 16 से लेकर 20 तक की फ्रीक्वेंसी 2 है। इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डेटा टेबल, फ्रीक्वेंसी डेटा टेबल। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगर हमने इसको इस तरह से रख दिया क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी 1 से 5 तक
6 से 10 तक, 11 से 15 तक, 16 से 20 तक ये हमारे क्लास इंटरवल से तो हम पहले बनाना सीख चुके हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी 11, इसकी फ्रीक्वेंसी 9, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 और इसकी फ्रीक्वेंसी 2। इससे आगे जो हमारी चीज है वो है क्लास बाउंड्रीज, जिसको हम सी बी से शो करते हैं। इसमें से 0.5 माइनस करेंगे, इसमें से इसमें 0.5 प्लस करेंगे, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट और इसको कहते हैं अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। लोअर लिमिट ऑफ क्लास 1, लोअर लिमिट ऑफ क्लास 2, लोअर लिमिट ऑफ क्लास 3, लोअर लिमिट ऑफ क्लास 4, अपर लिमिट ऑफ क्लास 1, अपर लिमिट ऑफ क्लास 2, अपर लिमिट ऑफ क्लास 3, अपर लिमिट ऑफ क्लास 4। अब लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे, 1 में से 0.5 गया, बाकी बचा 0.5, और इसमें 0.5 प्लस करेंगे 5.5। इसमें से 0.5 माइनस करेंगे 5.5, 10.5, 11 में से 10.5, 15.5, 15.5 में से, और 16 में से 15.5, 20.5। इस निकालने का मतलब, क्लास बाउंड्रीज निकालने का मकसद यह है कि दोनों क्लासेस में कोई एक जैसी चीज हो। 5.5 इसमें भी है, इसमें भी है, ये एक जैसी है। 5.5 अब 10.5 इसमें भी है, इसमें भी है। 15.5 इसमें भी है, 15.5 इसमें भी है। मकसद यह होता है कि दोनों क्लासेस के दरमियान एक लिंक पैदा करना। अब इसके बाद है आपकी क्लास बाउंड्री। इसके बाद मिड क्लास, एमसी। आगे चलते जो क्वेश्चन आएंगे उसमें एमसी को हम एक्स भी शो करते हैं, ये बाद में चलते बताऊंगा कि इसको एक्स क्यों कहते हैं। मिड क्लास, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। 1 + 5 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 6 + 10 16, 2 से डिवाइड किया 8, 11 + 15 26, 2 से डिवाइड किया 13, 16 + 20 36, 2 से डिवाइड किया 18। ये हो गया आपका मिड क्लास। अब उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव
सी सी एफ इलेवन प्लस नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस सिक्स ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स प्लस टू ट्वेंटी एट क्लियर। उसके बाद है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। बना सकते हैं, शो कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।